नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान जिसको हम वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं, आज का जो हमारा पार्ट है इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनसे जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उन सबको कलेक्ट किया गया है इस वीडियो में, और ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होगा। जितने भी सवाल बनते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है। और वन लाइनर्स का पार्ट जो है ये हमारा 17 है, इसके पहले हमने 16 पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 17 को और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। और दोस्तों, जितने भी इसमें सवाल हैं इस श्रृंखला की, अगर हम बात करते हैं इस वीडियो की बात करते हैं या अन्य जो हमारी श्रृंखला चल रही है दूसरी 2020 प्रश्न श्रृंखला, उनमें उन सवालों का संकलन किया गया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी आने की वो बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। जैसा कि मालूम है कि जो संविधान है उसको अलग अलग देशों से ग्रहण करके बनाया गया है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित हैं। किसमें वर्णित है? भाग 4 में। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अभी हमने भाग की बात की तो भाग 4 में है। अब अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, संविधान का वह भाग जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है क्या है? सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण भाग है जो संविधान के जो निर्माता है, जो निर्माण कर रहे थे, उनके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो शामिल किए गए जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। कई बार ये सवाल दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से अधिक प्रभावी बनाया गया? इसमें सिमिलरिटीज थी और इसमें किस संशोधन के साथ ही जो नीति निर्देशक तत्व है वह अधिक प्रभावी हो गए, तो यह 42वां संविधान संशोधन था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था किस अंग के द्वारा स्थापित करने की प्रेरणा दी जाती है? तो वह है नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल है, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्व जो है इनका क्रियान्वयन सरकार के पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं उन पर निर्भर करता है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा जाता है? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित कौन करता है? तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो यह सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के
अंग होने के कारण ही। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला सवाल है, समान न्याय, निशुल्क विधि सहायता, इनका प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के आ में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 39 के आ में, 39A। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का आदेश देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 40 यह आदेश देता है राज्य सरकारों को कि वे जो ग्राम पंचायतें उनका गठन करें। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों को एक समान सिविल सहायता प्राप्त, जो सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय नागरिकों को एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी नीति निर्देशक तत्व को प्रायः समाजवादी माना जाता है ग्राम पंचायत की स्थापना से? किसके? तो नीति निर्देशक तत्व है वे समाजवादी माने जाते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंग भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो संविधान का वह कौन सा अंग है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्यों के लिए है। किसके लिए है? राज्यों के लिए है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50 नगर पालिका को कार्यपालिका से पृथक बनाता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में, 51 में, आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग को शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है? जो दुर्बल वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनको शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 46 में किया गया है। अगला सवाल है, काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो काम करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 41 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 41 में। अगला सवाल है, शराबबंदी संविधान की किस धारा को निर्देशित करता है? शराबबंदी संविधान की किस धारा को निर्देशित करता है? तो धारा 47 जो है, 47, यह शराबबंदी के द्वारा जो है शराबबंदी को निर्देशित करती है। सो दोस्तों, इस पार्ट में, पार्ट 17 में हमने बात की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बनने वाले सवालों की। वन लाइनर पार्ट 18 जो होगा उसमें हम बात करेंगे आगे जो मूल कर्तव्यों के साथ साथ भारतीय संसद को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो जरूर देखें, और पिछले वीडियो अगर आपने मिस किए हैं तो उनकी लिंक आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। घंटी का बटन जो है उसको दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।